Hello friends, how are you? I hope you are healthy and living. So welcome back to your own channel. Myself Abhishek Kumar, I am your Balwadi mentor. So today I will discuss very important and interesting chapter of the 11th NCERT, that is the structure organization of animal. So in this particular video, we discuss which type of animal tissue participate in the forming of animal structure, what is their location and what is their function. So each and everything we discuss in conceptual manners and interesting manner. So I hope you really enjoy this video. So if you like my video, so please subscribe my channel and like share my video with friends. And if you want to join my social media handle, so I provide a link in the description box and WhatsApp from my channel. So please go through WhatsApp from my channel and click the social media icon and join with us. So I hope you really appreciate it with me. So watch the video and keep support. So in this particular video, we discuss about introduction of cockroach and morphology of cockroach. So I hope you really enjoy this video. So first, we read what written in NCERT textbook. After that, elaborate each and everything bit simple and easy manner. So let's start without wasting any time. So today's topic is cockroach. Cockroach क्या होता है हम सभी जानते हैं, ठीक है। हमारे घरों में पाया जाता है, जहाँ पे damp places होते हैं वहाँ पे हमारा cockroach पाया जाता है। इसका कलर क्या होता है ना, ये ब्राउन कलर का होता है। इसकी ब्राउन या होता है या फिर इसकी ब्लैक बॉडी होती है ना। ये हमारा फाइलम आर्थ्रोपोड्स का मेम्बर है, यानी हमारे फाइलम आर्थ्रोपोड्स में जितने भी मेम्बर्स थे वो सारे इंसेक्ट थे, है ना। जिनको हम आर्थ्रोपोडा, उसका नाम से ही पता चल रहा है। आर्थोस मतलब जॉइंट, पोडस मतलब अपेंडिजेज। इसमें जॉइंट अपेंडिजेज होते हैं, इसीलिए इसको आर्थ्रोपोडा बोलते हैं। आर्थ्रोपोडा को हम हेक्सापोडा भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें सिक्स पैर होते हैं, है ना। आर्थ्रोपोडा को हम क्या बोलते हैं, आर्थ्रोपोडा को हम क्या बोलते हैं, हेक्सापोडा, क्योंकि इसमें सिक्स पैर होते हैं ना। हेक्सापोडा, हेक्सापोडा, इसको जॉइंट अपेंडिजेज मतलब जुड़े हुए पैर आर्थ्रोपोडा का कैरेक्टरिस्टिक है ना। कैरेक्टरिस्टिक फीचर है जॉइंट अपेंडिजेज, है ना। इनमें जो होता है आर्थ्रोपोड्स हमारे अर्थ में क्यों ज़्यादा पाए जाते हैं, क्योंकि इसमें एक दो स्केलेटन होता है जो कि काइटिन का बना होता है ना। काइटिन जो होता है मोस्ट रेजिस्टेंस होता है एनवायरमेंट के प्रति, यानी उसमें कोई भी एनवायरमेंट में उसका डिग्रेड नहीं कर पाता, इसलिए जो आर्थ्रोपोडा की सर्वाइवलिटी होती है वो बढ़ जाती है, यानी इंसेक्ट की सर्वाइवलिटी बढ़ जाती है। तो देखते हैं एनसीईआरटी की टेस्ट में क्या लिखा गया है। सो कॉकरोच आर ब्राउन और ब्लैक बॉडी एनिमल डेट आर इंक्लूड क्लास इंसेक्ट ऑफ फाइलम आर्थ्रोपोडा। यानी जो हमारे कॉकरोच होते हैं वो कैसे होते हैं, कॉकरोच जो होते हैं वो ब्राउन और ब्लैक बॉडी का कलर होता है उनका, और ये जो फाइलम आर्थ्रोपोडा के मेंबर हैं और इनकी जो क्लास है वो क्या है, क्लास इंसेक्टा है ना। इनकी क्लास जो है वो क्लास इनकी इंसेक्टा है। इंसेक्ट मतलब होता है कीड़े मकोड़े, ठीक है। इंसेक्ट का मतलब होता है कीड़े मकोड़े, ठीक है। ये ब्राइट येलो, रेड एंड ग्रीन कलर काकरोच है बीन आल्सो रिपोर्टेड इन ट्रॉपिकल रीजन, है ना। तो इसका ट्रॉपिकल रीजन का मतलब क्या होता है, ट्रॉपिक क्या होता है, ट्रॉपिकल रीजन क्या होते हैं, मैं आपको बताता हूँ सिंपल लैंग्वेज पे। पहले देखते हैं ट्रॉपिक रीजन, है ना, ट्रॉपिकल रीजन, सॉरी। सो ट्रॉपिकल रीजन क्या होता है, मान लो हमारी जो अर्थ होती है, हाइपोथेटिकल मानते हैं अर्थ, वैसे हमारी तो ओवल होती है, बट मैं यहाँ पे बना के नहीं दिखा रहा हूँ आपको, ऐसे देखिए, ठीक है। ये जो होती है अर्थ हमारी ओवल हो गई, ठीक है। अब ये जो होता है इसको हम बोलते हैं इक्वेटर रेखा, है ना, इक्वेटर बोलते हैं, और इसको बोलते हैं पोल रीजन, ठीक है। ये क्या हुआ, पोल हुआ, ये क्या हुआ, ये वाली इक्वेटर हुआ, ठीक है, इक्वेटर हुई, इक्वेटर, है ना। तो ट्रॉपिकल रीजन वो होते हैं जो जो हमारी अर्थ होती है इक्वेटर को सराउंड करती है ना। हमारी जो अर्थ होती है वो इक्वेटर को सराउंड करें, तो वहाँ के रीजन को हम क्या बोलते हैं, ट्रॉपिकल रीजन बोलते हैं। आप समझ गए होंगे, ठीक है। फिलहाल ये इकोलॉजी वाले चैप्टर में मैं आपको अच्छे से बताऊँगा, है ना, व्हाट इज लैटिट्यूडनल और व्हाट इज इक्वेटर, व्हाट इज पोल, है ना, वहाँ पर टेम्परेचर क्या होता है, बाकी कंडीशन क्या होती है, मैं सब चीज़ इकोलॉजी वाले चैप्टर पे बताऊंगा। यहाँ पे बताऊंगा तो थोड़ा लेंदी हो जाएगा, ठीक है। तो जो ट्रॉपिक रीजन वो होता है जहाँ पे हमारी अर्थ इक्वेटर को सराउंड करें, अर्थ इक्वेटर को सराउंड करें, यानी इक्वेटर को घेर ले, ठीक है। तो इसमें क्या है, जो ब्राइट येलो कलर, यानी चमकीले येलो कलर के, रेड कलर के और ग्रीन कलर के कॉकरोच भी हमारे ट्रॉपिकल रीजन पर देखे जाते हैं, ठीक है। देयर साइज रेंज, इनका जो साइज होता है वो फ्रॉम 1/4 inch टू 3 inch, इनका जो साइज होता है काकरोच का साइज होता है, देयर रेंज फ्रॉम 1/4 inch टू 3 inch, इसको अगर सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 0.6 to 7.6 सेंटीमीटर होगा, ठीक है।
एंड ए लॉन्ग एंटनी, और जो कॉकरोच के हेड पे रीजन पे होते हैं ना, यहाँ पे कंपाउंड आइस जहाँ पे आइस होती है उसके ऊपर एंटनी पाए जाते हैं ना, लॉन्ग एंटीना। एंटीना का काम क्या होता है, एंटीना का काम जैसे हमारे घरों में टीवी होती थी तो उसमें हम एंटीना लगाते थे, है ना, एंटीना लगाते थे बहुत पुराने समय में। तो एंटीना का काम क्या होता है, सिग्नलिंग का काम करेगा, क्या करेगा, सिग्नलिंग, है ना, यानी वो सिग्नल मिलाएगा ना, सिग्नल मिलाएगा यानी इन्वायरमेंट को सेंस करेगा, क्या करेगा, इन्वायरमेंट को सेंस करेगा, ठीक है, इन्वायरमेंट में क्या क्या यूज हो रहे हैं, इन्वायरमेंट को सेंस करेगा, यानी सेंसरी फंक्शन होता है जो एंटनी होते हैं काकरोच में लॉन्ग लॉन्ग लंबे लंबे से, तो वो क्या होते हैं, सेंसरी फंक्शन होते हैं, यानी सेंसरी ऑर्गन के तरीके काम करेंगे। और क्या होता है उसमें, लेग होते हैं यानी पैर होते हैं, पैर होते हैं, पैर जो उनके होते हैं वो इनको मतलब बताया ना, हेक्सापोडा बोलते हैं, यानी सिक्स पैर होते हैं इसमें, ठीक है। एंड ए फ्लैट एक्सटेंशन ऑफ अपर बॉडी वॉल डेड कॉन्सेनियल हेड, है ना, और एक एक फ्लैट एक्सटेंशन होती है अपर बॉडी, जो होती है कॉकरोच की उसमें एक फ्लैट एक्सटेंशन होता है, अपर बॉडी यानी डॉर्सल साइड की बॉडी, ठीक है, नीचे की बॉडी क्या बोलते हैं, वेंट्रल बॉडी बोलते हैं। इसमें एक जो हेड को वो कॉन्सियल हेड को मतलब वो घेर लेती है ना, कॉन्सियल का मतलब होता है घेरे हुए, ठीक है, घेरे हुए यानी वो हेड को घेरे रहती है ना, एक फ्लैट एक्सटेंशन होता है, एक्सटेंशन का मतलब होता है उभार, क्या होता है, उभार, है ना, उभार, उभार होता है जो अपर बॉडी पे जो कि हेड को घेर लेती है ना, जो कि हेड को घेर लेती है। दे आर नॉक्टर्नल ओमनीवोरस, नॉक्टर्नल ओमनीवोरस का मतलब होता है, नॉक्टर्नल का मतलब क्या होता है, नॉक्टर्नल का मतलब होता है रात्रचर, है ना, रात्रचर, ठीक है, यानी रात में निकलने वाले, यानी जो रात में बाहर घूमते हैं, रात के समय बाहर घूमेंगे, है ना, आराम से, जिनको रात में दिखाई देता है, सीधा सा मतलब। ओमनीवोरस का मतलब क्या होता है, ओमनीवोरस का मतलब होता है सब चीज़ खाने वाला, जो भी चीज़ पाई जाएगी सारी की सारी चीज़ को अपना वो फूड बना लेगा, सारी चीज़ें वो खाएगा, सभी चीज़, सर्वाहारी जिसको बोलते हैं, ठीक है, हिंदी में सर्वाहारी, है ना, इसको क्या बोलते हैं, सर्वाहारी बोलते हैं, सर्वाहारी का मतलब होता है ओमनीवोरस, ठीक है, जो होते हैं ये काकरोच होते हैं, काकरोच होते हैं, नॉक्टर्नल होते हैं और ओमनीवोरस होते हैं। ये कहाँ पे रहते हैं, दे लाइव इन डैम्प प्लेसेस थ्रू आउट द वर्ल्ड, है ना, ये डैम्प प्लेसेस पे रहते हैं, डैम्प प्लेसेस पे जहाँ पे कोई चीज इकट्ठा हो, क्या हो, इकट्ठा हो, जहाँ पे कोई चीज इकट्ठा हो, यानी वो स्टोर किया जाए, है ना, यानी स्टोर हाउस पे ये रहेंगे, है ना, स्टोर किया जाए यानी स्टोर हाउस पे जहाँ पे रहेंगे, जहाँ पे कोई चीज डैम्प पड़ी हुई, यानी गोदाम में, जैसे हमारे अनाज के गोदाम होते हैं, सीरस के गोदाम होते हैं, गेहूं का गोदाम हो गया, धान का गोदाम हो गया, तो वहाँ गोदाम में रहते हैं, और चीज़ों के गोदाम होते हैं तो वहाँ पे ये रहते हैं, ठीक है, डैम्प प्लेसेस यहाँ पे सारी चीज़ें इकट्ठा की जाए, ठीक है, ये पूरे संसार में डैम्प प्लेसेस पे ही रहते हैं, ठीक है ना, वेक्टर होते हैं सेवरल डिजीज के, ये सारी चीज़ें खाते हैं, है ना, कोई चीज़ पॉइजनस है मतलब वो इन्फेक्टियस चीज़ है उसको भी खाएंगे, और फिर हमारे फूड अगर रखा हुआ है तो उसमें भी ये अपना टच करेंगे तो वो भी इन्फेक्ट हो जाएगा, तो ऐसे हमारे में वुमन में सेवरल डिजीजेज कॉज होती हैं जो कि कॉकरोच करता है, ठीक है। आगे देखते हैं मॉर्फोलॉजी के बारे में, अभी इसमें मॉर्फोलॉजी इंट्रोडक्शन था, मॉर्फोलॉजी क्या है वो देखते हैं। मॉर्फो का मतलब होता है फिजिकल अपीयरेंस, मैंने आपको बताया था जो चीज़ बाहर से देख के हम बता दें, है ना, फिजिकल अपीयरेंस जो बाहर से पता चल जाए, फिजिकल विजुअल फीचर्स जो होंगे, फिजिकल विजुअल फीचर्स, ठीक है, जो बाहर के फीचर्स होंगे उसको देख के हम बताएं, उनको मॉर्फोलॉजी बोलते हैं। एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, स्टडी ऑफ एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ द ऑर्गेनिज्म कॉल मॉर्फोलॉजी, ठीक है, वो प्लांट भी हो सकता है, एनिमल भी हो सकता है, ठीक है। देखते हैं टेस्ट में क्या लिखा है। द एडल्ट ऑफ द कॉमन स्पीसीज ऑफ कॉकरोच, जो कॉमन स्पीसीज ऑफ कॉकरोच की क्या होती है, वो क्या है हमारी, पेरीप्लैनेटा अमेरिकाना, है ना, जो कॉकरोच की एडल्ट स्पीसीज है, यानी जो कॉकरोच पाए जाते हैं ज़्यादातर, तो उनका साइंटिफिक नेम क्या है, पेरीप्लैनेटा अमेरिकाना, ठीक है, पेरीप्लैनेटा अमेरिकाना, याद रखेंगे, क्वेश्चन आ जाता है कि कॉकरोच की जो स्पीसीज है उसका साइंटिफिक नेम क्या है, तो ये हम इम्पोर्टेंट में कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है।
ये जो होते हैं अबाउट 34 to 53 mm लॉन्ग होते हैं, है ना, 34 to 53 mm यानी मिलीमीटर, है ना, mm का मतलब होता है मिलीमीटर, ये लंबे होते हैं। इनमें विंग होते हैं यानी पंख भी होंगे, इसमें क्या होंगे, विंग होंगे, पंख होंगे, एंड डेट एक्सटेंड बियॉन्ड द टिप ऑफ द एब्डोमेन इन मेल, जो कि एब्डोमेन, जो मेल का एब्डोमेन होता है, एब्डोमेन रीजन होता है, वहाँ से ये निकलते हैं, है ना, यानी वहाँ तक फैले होते हैं, बियॉन्ड एक्सटेंडेड बियॉन्ड, वहाँ से वहाँ तक फैले होते हैं। द बॉडी ऑफ कॉकरोच इज सेगमेंटेड एंड डिवाइजिबल इनटू थ्री डिस्टिंक्ट रीजन, इनकी जो कॉकरोच की बॉडी होती है उसको तीन भागों में डिवाइड करते हैं, डिस्टिंक्ट रीजन मतलब विभिन्न विभिन्न भागों में डिवाइड करते हैं, यानी तीन भागों में डिवाइड करते हैं। कॉकरोच की बॉडी होती है उसको सेगमेंटेड होती है, वो उसमें सेगमेंटेशन पाया जाता है। सेगमेंटेशन हमारे तीन फाइलम में पाया जा रहा था, कौन कौन से थे, एनीलिडा था, है ना, एनीलिडा था, एनीलिडा था, आर्थ्रोपोडा था, आर्थ्रोपोडा था, और क्या था, वर्टिब्रेटा था, वर्टिब्रेटा था, है ना, तीन फाइलम में सेगमेंटेशन पाया जा रहा था। तो हमारा आर्थ्रोपोड है, जो हमारा आर्थ्रोपोड होता है, फर्स्ट लार्जेस्ट फाइलम ऑफ एनिमल किंगडम होता है। आर्थ्रोपोडा क्या होता है, आर्थ्रोपोडा क्या होता है, आर्थ्रोपोडा क्या होता है, फर्स्ट लार्जेस्ट फाइलम, है ना, क्या होता है, फर्स्ट लार्जेस्ट लार्जेस्ट फाइलम ऑफ एनिमल किंगडम, है ना, एनिमल किंगडम का पहला लार्जेस्ट फाइलम होगा, और जो मोलस्का होता है वो एनिमल किंगडम का सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम होता है, याद रखेंगे, ये पूछ लेते हैं क्वेश्चन में, ठीक है। इसकी जो कॉमन स्पीसीज है, पेरिप्लैनेटा अमेरिकाना होती है कॉकरोच की, इसका साइंटिफिक नेम है। इसकी जो लेंथ होगी वो 34 to 53 mm होगी यानी मिलीमीटर होगी। इसमें विंग्स होंगे यानी पंख पाए जाएंगे, है ना, जो कि एब्डोमिन रीजन में होते हैं, ठीक है। द बॉडी ऑफ कॉकरोच ये सेगमेंटेड होती है, कॉकरोच की बॉडी सेगमेंटेड होती है, और इसको हम तीन भागों में डिवाइड कर सकते हैं, कौन कौन से, तीन रीजन पर डिवाइड करते हैं, हेड होगा, थोरैक्स होंगे, और एब्डोमेन होगा, है ना, हेड रीजन मतलब हेड का रीजन, थोरैक्स का मतलब सीने यानी छाती का रीजन, और एब्डोमेन का रीजन मतलब पेट का रीजन, ठीक है, तीन भागों में डिवाइड करते हैं। द इंटायर बॉडी, इसकी जो संपूर्ण बॉडी होती है यानी पूरी पूरा जो शरीर होगा इसका, कवर्ड बाई हार्ड काइटेनियस एक्सोस्केलेटन, है ना, इसकी पूरी बॉडी हार्ड काइटेनियस एक्सोस्केलेटन से कवर्ड होती है। काइटिन क्या होता है, काइटिन को हम फंगल सेलुलोज भी बोलते हैं, काइटिन को क्या बोलते हैं, हम फंगल सेलुलोज भी बोलते हैं, फंगल सेलुलोज भी बोलते हैं, काइटिन को हम फंगल सेलुलोज बोलते हैं, जो कि एक्सोस्केलेटन, एक्सोस्केलेटन का मतलब होता है बाहरी, स्केलेटन मतलब कंकाल, ठीक है, जो इनकी बॉडी होती है पूरे हार्ड काइटेनियस एक्सोस्केलेटन से कवर्ड होती है, जो कि काइटिन किस कलर का होता है, काइटिन जो होता है ब्राउन इन कलर का होता है यानी भूरे रंग का होगा, ठीक है। काइटिन जो होता है मोस्ट रेजिस्टेंट होता है, ठीक है, इसीलिए इंसेक्ट हमारे एनवायरनमेंट में ज़्यादा पाए जाते हैं, यानी अर्थ में ज़्यादा पाए जाते हैं, क्योंकि इनका एनवायरनमेंट इतनी जल्दी इफेक्ट नहीं कर पाता इनको, ठीक है, और ये सर्वाइव कर लेते हैं एडवर्स कंडीशन में भी, ठीक है। ईच सेगमेंट एक्सोस्केलेटन हैज हार्डेंड प्लेट कॉल्ड स्क्लेराइट, इसका मतलब क्या हुआ, जो प्रत्येक सेगमेंट होगा इसके बॉडी का, प्रत्येक सेगमेंट होगा उसमें एक्सोस्केलेटन यानी जो काइटिन का एक्सोस्केलेटन बना हुआ है उसकी एक बाहर क्या होगी, हार्ड प्लेट टाइप की होगी, है ना, जिसको हम क्या बोलते हैं, स्क्लेराइट्स बोलते हैं। स्क्लेराइट भी टू टाइप से डिवाइड होती है, अगर वो हमारी डॉर्सल साइड में, कॉकरोच की डॉर्सल साइड यानी पीठ की साइड में है तो उसको क्या बोलेंगे, टर्गिट्स बोलेंगे, है ना, क्या बोलेंगे, टर्गिट्स बोलेंगे, और अगर वेंट्रल साइड में यानी वेंट्रल साइड में तो उसको क्या बोलेंगे, स्टेनॉइड बोलेंगे। हम अपने से रिलेट कर लेंगे, हमारे वेंट्रल साइड में क्या पाया जाता है, स्टर्नम पाया जाता है, स्टर्नम को हम स्टर्नम और इससे स्टेनॉइड से रिलेट हो रहा है, यानी क्या होगा, स्टेनॉइड वेंट्रल साइड पर पाई जाएगी और जो टर्गिट्स होगी वो डॉर्सल साइड में पाई जाएगी कॉकरोच की, याद हो गया आपको, ठीक है। डेट आर जॉइंट टू ईच अदर बाई, जो कि एक दूसरे से जुड़ी होती है, दे आर जॉइंट बाई ईच अदर बाई ए थिन फ्लेक्सिबल, एक थिन फ्लेक्सिबल जो यानी पतली होगी, और फ्लेक्सिबल का मतलब लचीली होगी, है ना, थिन फ्लेक्सिबल आर्टिकुलर मेम्ब्रेन, जिसको क्या बोलते हैं, आर्टिकुलर मेम्ब्रेन, आर्टिकुलेशन का मतलब होता है जोड़ने वाली, ठीक है, जोड़ने वाली मेम्ब्रेन होगी, जिसको क्या बोलते हैं, एंथ्रोडियल मेम्ब्रेन, है ना, इसको एंथ्रोडियल मेम्ब्रेन बोलते हैं। आर्टिकुलेशन का मतलब होता है आर्टिकुलेट होना या किसी से मिलना या जुड़ना, ठीक है, दोनों को जोड़ रही है यानी स्टर्नम और वेंट्रल, स्टर्नम साइड की डॉर्सल साइड को जोड़ रही है, वो मेम्ब्रेन को क्या बोलेंगे, एंथ्रोडियल मेम्ब्रेन, है ना, ठीक है, एंथ्रोडियल मेम्ब्रेन।
ऑर्थोडियल मेम्ब्रेन, सॉरी ऑर्थोडियल मेम्ब्रेन, ठीक है, इंथ्रोडियल नहीं, ऑर्थोडियल मेम्ब्रेन, ऑर्थोडियल मेम्ब्रेन, ठीक है। अब इसका फिगर दिखाया गया, फिगर हम देख लेते हैं, फिगर क्या है, ठीक है। कॉकरोच में ये जो दिखाया गया है हमको, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ कॉकरोच दिखाया गया है, हेड दिखाया गया है, ठीक है। हेड जो होता है इसका बहुत मूवेबल होता है, ठीक है, यानी सभी पोजीशन पे अच्छे से मूव करेगा, ठीक है। इसमें जो होती है फिलीफॉर्म एंटनी होती है, एंटनी मैंने आपको बताया था, सेंसरी और सेंसरी ऑर्गन के तरीके काम करेंगे, यानी एनवायरनमेंट को सेंस करेंगे, ठीक है, चीज़ों को सेंस करेंगे। और इसमें कंपाउंड आइस होती हैं, कंपाउंड आइस जो होती हैं ये क्या करती हैं, मोजैक विजन, है ना, कंपाउंड आइस हेल्प इन मोजैक विजन, मोजैक विजन में हेल्प करती हैं। यानी मोजैक विजन क्या होता है, मोजैक विजन ऐसा विजन जो कॉमन होता है रात में, कॉमन हो जाता है नॉक्टर्नल एनिमल में, कॉमन होता है, ठीक है। एक चीज़ की कई सारी इमेज बनेंगी, है ना, मल्टी इमेज बनेंगी एक चीज़ की, और जो इमेज होंगी मोस्ट सेंसिटिव होंगी, मतलब वो नॉक्टर्नल जो विजन होता है वो मोस्ट सेंसिटिव तो होता है, है ना, मोस्ट सेंसिटिव होता है, बट रेजोल्यूशन होता है, मतलब उसका रेजोल्यूशन जो होगा वो कम होगा, यानी इमेज जो बनेंगी वो फुल HD नहीं बनेंगी, जैसे हम लोग देखते हैं ना भाई HD में देखते हैं, मेरी आँखें HD फुल HD प्लस होती हैं, ठीक है। सो उसमें HD प्लस टाइप की इमेज नहीं बनेगी, है ना, धुंधली इमेज बनेगी, बहुत सारी इमेज बनेगी, ठीक है। लेस रेजुलेशन बट मोर सेंसिटिव मोजैक विजन होता है, ठीक है, जो कि कंपाउंड आइज कॉकरोच की बनाती हैं। आगे चल के हम दिखाएंगे आपको, डिस्कस करेंगे, ठीक है। ये क्या हो गया, ये फिर हो गया हेड रीजन, यहाँ पे थोरैक्स रीजन आ गया, ये प्रोनोटम हो गया, ठीक है, ये हमारा मीसो थोरैक्स, है ना, फिर मेजो थोरैक्स से जो प्रोटो थोरैक्सिक लेग हो गए ये, इसके बाद क्या आया, मेटा थोरैक्स आया जो एब्डोमेन के बीच में पाया गया, फिर उसके बाद मेटा थोरैक्स, फिर मीजो थोरैसिक लेग, जो मीजो थोरैक्स रीजन से निकलेंगे वो लेग हो गए, और ये फिर मेटाथोरैसिक लेग, यानी मेटाथोरैसिक लेग यानी मेटाथोरैक्स रीजन से निकले हुए लेग हो गए, ठीक है। ये हुआ एब्डोमेन, ठीक है, एब्डोमेन हुआ, और इसमें क्या होगा, टेगमिना क्या होते हैं, है ना, ये कौन से टेगमिना क्या होते हैं, हैंडबिन क्या होते हैं, और एनल सरकाई क्या होती है, मैं आगे आपको टेस्ट में बताऊँगा, मैं आपको फिर से ये डायग्राम दिखाऊँगा, चलते हैं आगे। हेड जो होता है इसका क्या होता है, ट्रायंगुलर शेप का होता है, यानी त्रिकोण शेप का होगा, यानी त्रिकोण शेप का होगा, तिकोने शेप का होगा, हेड इज ट्रायंगुलर शेप, है ना, ट्रायंगुलर इन शेप, लाइज एंटायरली एट राइट एंगल टू द लॉन्गिट्यूडनल एक्स बॉडी एक्सिस, है ना, जो हेड इसका होता है ट्रायंगुलर शेप होता है, और एंटरली एंटरली होता है जो कि आगे होता है, यानी बॉडी के आगे साइड में होगा, लाइज मतलब पाया जाना, ठीक है, लाइज का मतलब होता है पाया जाना, ठीक है, पाया जाना, ठीक है, ये बॉडी के आगे साइड पाया जाता है, राइट एंगल ट्रायंगल ऑफ लॉन्गिट्यूडनल बॉडी एक्सिस, यानी बॉडी के ऐसे ऐसे एक्सिस में यहाँ पे हेड पाया जाएगा, ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस। हॉरिजॉन्टल क्या होता है, ये होता है, ठीक है, वर्टिकल ये होता है, ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल ये होता है खड़ी, लॉन्गिट्यूडनल मतलब खड़ा, ठीक है। इट इज फॉर्म बाई फ्यूजन ऑफ सिक्स सेगमेंट एंड सौ ग्रेट मोबिलिटी इन आल डायरेक्शन ड्यू टू फ्लेक्सिबल नेक। ये जो होता है हेड इसका बनता है वो कैसे बनता है, सिक्स सेगमेंट, यानी कॉकरोच में जो सेगमेंट पाए जाएंगे, क्योंकि ये सेगमेंटेड बॉडी होती है ना इनकी, तो कॉकरोच में जो सेगमेंट पाए जाएंगे उसके छः सेगमेंट जब फ्यूज हो जाते हैं, फ्यूजन ऑफ सिक्स सेगमेंट, तो कॉकरोच का क्या बनता है, हेड बनता है ना, हेड बनता है, जो कि ग्रेट मोबिलिटी, जो कि बहुत अच्छी मोबिलिटी होती है, यानी बहुत अच्छी मोबिलिटी होगी, चारों डायरेक्शन में वो मूव कर लेगा, है ना, ग्रेट मोबिलिटी इन ऑल डायरेक्शन ड्यू टू फ्लेक्सिबल नेक, में जो गर्दन पाई जाएगी वो बहुत लचीली पाई जाएगी, तभी ये चारों तरफ मूव कर लेंगे अपने हेड को, ठीक है। द हेड कैप्सूल, हेड कैप्सूल में क्या होता है, हेड कैप्सूल मतलब मान लो इतना मेरा इतना पूरा हेड पाया गया, अब इसमें क्या क्या पाया जा रहा है, आईज पाए जा रही हैं, नोज पाए जा रही हैं, लिप्स पाए जा रहे हैं, टंग पाए जा रहे हैं, है ना, और ये ईयर पाए जा रहे हैं, हेयर पाए जा रहे हैं, तो मतलब ये इसको हम अपने से रिलेट किया, बाकी कॉकरोच का अलग होता है, उसमें देखते हैं क्या है। हेड कैप्सूल मैंने आपको बताया क्या होते हैं, उसी तरीके इसमें क्या होता है, ठीक है। हेड कैप्सूल बियर ए पेयर ऑफ कंपाउंड आइस, हेड कैप्सूल में एक पेयर जो होती हैं कंपाउंड आइस होती हैं, यानी जो कि मोजेक विजन बनाए करेंगी, ठीक है। ए पेयर ऑफ थ्रेड लाइक एंटनी, एक पेयर थ्रेड लाइक एंटनी होते हैं, एंटनी का काम क्या होता है, सेंसरी इन फंक्शन होंगे, यानी सेंसरी ऑर्गन के तरीके काम करेंगे, एनवायरमेंट को सेंस करेंगे, यानी चीज़ों को सेंस करेंगे, जो कि कहाँ से बनते हैं, ये थ्रेड लाइक एंटनी होते हैं, वो अराइज होते हैं फ्रॉम मेम्ब्रेनस सॉकेट लाइनिंग लाइंग इन फ्रंट ऑफ आइस, है ना, मेम्ब्रेनस सॉकेट ऑफ आइस, यानी जो आई फ्रंट साइड में पाई जाएगी ना कॉकरोच की, यहाँ पे पाई जाएगी, तो वहाँ से
ये एक सॉकेट मेम्ब्रेन है, सॉकेट से निकलते हैं एंटनी, ठीक है। एंटनी है सेंसरी रिसेप्टर, मैंने आपको बताया एंटेना जो होता है सेंसरी फंक्शन होता है, टीबी का एंटेना हो या कॉकरोच का एंटेना हो, दोनों का काम होगा एनवायरनमेंट को सेंस करेगा यानी सिग्नल का काम करेगा, ठीक है। एंटनी है सेंसरी रिसेप्टर डेट हेल्प इन मॉनिटरिंग द एनवायरनमेंट, यानी एनवायरनमेंट को मॉनिटरिंग मॉनिटर करेगा, ठीक है। एंटीरियर एंड ऑफ द हेड बियर्ड्स अपेंडिजेज फॉर्मिंग बाइटन एंड स्विमिंग टाइप ऑफ माउथ पार्ट्स है ना, इंटीरियर ऑफ हेड यानी माउथ के यानी हेड के आगे की तरफ है ना, इंटीरियर एंड ऑफ हेड, इंटीरियर एंड ऑफ हेड में इसके अपेंडिजेस पाए जाएंगे। अपेंडिजेज वो किस टाइप के होंगे, वाइटिंग मतलब वो चबाएंगे सॉरी काटने वाले, ठीक है, काटने के लिए होंगे, और च्यूइंग का मतलब चबाने वाले, ठीक है, चबाने वाले हैं, ठीक है। इंटीरियर एंड में जो होगा हेड के इंटीरियर एंड में कुछ अपेंडिजेस पाए जाएंगे जो काम करेंगे काटने का और चबाने का, है ना, बाइटिंग एंड च्यूइंग टाइप ऑफ माउथ पार्ट्स है ना, ये माउथ का पार्ट हो गए। द माउथ पार्ट कंसिस्ट ऑफ ए लेब्रम, यहाँ पे बहुत कंफ्यूजन होता है ना, सभी को कंफ्यूजन होता है, माउथ पार्ट कंसिस्टिंग ऑफ ए लेब्रम, लेब्रम को हम अपर लिप बोलते हैं, लेब्रम को क्या बोलते हैं, अपर लिप एंड ए पेयर ऑफ मैंडिबल, और इसमें एक पेयर मैंडिबल होगी और ए पेयर एंड ए लेबियम, है ना, ए पेयर मैगजली होगी, मैगजली होगी, मैगजली एक पेयर होगी और एक लेबियम होगा, एक लेब्रम होगा, एक लेबियम होगा, एक पेयर मैंडिबल होगा और एक पेयर मैगजली होगी। ये कहाँ पे पाए जाएंगे, माउथ पार्ट में पाए जाएंगे, माउथ पार्ट में भी च्यूइंग और बाइटिंग ऑर्गन होंगे, ठीक है। अब इसमें लेब्रम और लेबियम में बहुत कन्फ्यूजन होता है, मैं आपको बताऊँ, लेब्रम को क्या बोलते हैं, लेब्रम को अपर लिप बोलते हैं। अब लेब्रम लेब्रम अब इसको ये देखेंगे अपर है कि लोअर है, इसमें बहुत कन्फ्यूजन होता है। देखो लेब तो दोनों में सेम है ना, अंतर है ईएम का और आरयूएम का, ठीक है, रम का और ईएम का, ठीक है। जब भाई कोई भी लोग होगा, कोई भी लड़का होगा, कोई भी इंसान होगा, जब रम पी लेगा ना, रम मतलब दारू, जब दारू पी लेगा, अल्कोहल पी लेगा, तो अपने आप को सबसे बड़ा महान समझेगा, ठीक है, सबसे ऊपर समझेगा कि हम ही हैं, हमसे आगे कोई है नहीं, है ना। तो इसका मतलब हुआ सबसे महान समझेगा यानी सबसे बड़ा समझेगा यानी सबसे ऊपर समझेगा। तो इससे रिलेट कर लेंगे हम कि जो लेब्रम होता है वो हमारा अपर लिप होता है काकरोच में, ठीक है। रम पीने के बाद कैसा समझते हैं लोग, रम पीने के बाद कैसा समझते हैं अपने आप को, ऊपर है ना, सबसे ऊपर समझते हैं, अपर समझते हैं, ठीक है। सो लेब्रम हो गया वो हमारा काकरोच में अपर लिप हो गया, और एक पेयर होती है मैंडिबल होती है, मैंडिबल और एक पेयर मैगजली होंगी और एक लेबियम होगा, लेबियम को लोअर लिप बोलेंगे, ठीक है, समझ गए होंगे आप। ए मीडियन फ्लेक्सिबल लोब, एक मीडियन फ्लेक्सिबल लोब होता है एक्टिंग एज टंक, है ना, एक मिडिल में एक फ्लेक्सिबल फ्लेक्सिबल लोब होगा जो टंक की तरीके यानी जीभ की तरीके काम करेगा, है ना, इसको बोलते हैं क्या बोलते हैं, हाइपोफायरिंग्स, हाइपोफायरिंग्स बोलते हैं, हाइपोफायरिंग्स बोलते हैं, याद रखेंगे। ये पूछ लेते हैं कि काकरोच में टंक की तरीके कौन सा ऑर्गन एक्ट करता है तो उसका नाम क्या होता है, तो हाइपोफायरिंग्स होता है, ठीक है। हाइपो मतलब पता चल रहा नीचे, फायरिंग्स मतलब फायरिंग्स के यानी फायरिंग्स के नीचे पाया जाएगा, इसलिए इसको हाइपोफायरिंग्स बोलते हैं, एक्ट एज टंक, ठीक है। लाइज विद इन द कैविटी इनक्लोज बाय द माउथ पार्ट्स, है ना, ये कहाँ पे पाया जाता है, ये हाइपोफायरिंग्स कहाँ पे पाया जाता है, ये कैविटी पे पाया जाता है जो कि माउथ पार्ट से इनक्लोज होती है, ठीक है। ये फिगर दिखाया गया है, हम आगे चल के दिखाएंगे। थोरैक्स कंसिस्ट यानी थोरैक्स में तीन पार्ट्स होते हैं, कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, प्रोथोरैक्स, मेसोथोरैक्स एंड मेटाथोरैक्स। प्रो मतलब पहले, थोरैक्स के पहले पाया जाना, प्रो मतलब होता है पहले, है ना, थोरैक्स के पहले, और मेसो मतलब मिडिल में, है ना, मेटा मतलब बाद में, ठीक है। तीन पार्ट में डिवाइड करेंगे इसको थोरैक्स को, थोरैक्स के तीन पार्ट्स हो गए, प्रोथोरैक्स, मेसोथोरैक्स एंड मेटाथोरैक्स, है ना। आगे देखते हैं, द हेड इज कनेक्टेड विद थोरैक्स बाय ए शॉर्ट एक्सटेंशन, जो हेड होता है वो थोरैक्स से कैसे कनेक्ट होता है, शॉर्ट एक्सटेंशन, एक्सटेंशन का मतलब उभार होता है, कोई चीज़ निकली होना है, उभार होना, ठीक है। ऑफ द प्रोथोरैक्स नोन एज नेक, जो काकरोच का हेड होता है वो थोरैक्स से कनेक्ट होता है एक शॉर्ट एक्सटेंशन यानी छोटे से उभार ऑफ प्रोथोरैक्स, प्रोथोरैक्स में एक छोटा सा उभार होगा जिससे हेड थोरैक्स से कनेक्ट होगा, जिसको क्या बोलते हैं, नॉन नेक बोलते हैं, सॉरी नॉन एज नेक,
नेक मतलब गर्दन, ठीक है गर्दन है ना। अब क्वेश्चन घुमा के भी पूछ सकता है कि गर्दन किसे बोलते हैं, है ना गर्दन किसे बोलते हैं, तो शॉर्ट एक्सटेंशन ऑफ प्रोथेरेक्स को गर्दन बोलते हैं, ठीक है समझ गए होंगे आप। ईच थोरेसिक सेगमेंट, प्रत्येक थोरेसिक सेगमेंट बियर ए पेयर ऑफ वॉकिंग लेग, है ना प्रत्येक थोरेसिक सेगमेंट में जो थोरेक्स में सेगमेंट पाए जाएंगे उनमें प्रत्येक में एक पेयर क्या होगा वॉकिंग लेग होंगे। वॉकिंग लेग मतलब वो टहलने चलने फिरने में हेल्प करेंगे। द फर्स्ट पेयर ऑफ विंग अराइज फ्रॉम मेसोथोरैक्स, जो पहले पेयर के जो विंग्स होते हैं पंख होते हैं, विंग्स का मतलब पंख, जो जो पहले पैर के पहले जोड़ी पैर होते हैं वो कहाँ से राज होते हैं मेसोथोरैक्स से राज होते हैं, और जो सेकंड पेयर के पैर होते हैं वो कहाँ से राज होते हैं मेटाथोरैक्स से राज होते हैं। ये हम याद रखेंगे, यहाँ से भी हमारा क्वेश्चन आ सकता है कि हमारे जो कॉकरोच में होते हैं फर्स्ट पेयर ऑफ लिंग फर्स्ट पेयर ऑफ विंग अराइज फ्रॉम मेसोथोरैक्स मेटाथोरैक्स प्रोथोरैक्स एंड एक और कोई ऑप्शन दे देगा। सो हमको क्या करना है, जो फर्स्ट पेयर ऑफ विंग arise from mesothorax in cockroach and second pair of wing arise from metathorax of cockroach, ठीक है तो समझ गए होंगे आप। आगे देखते हैं फोर विंग को हम अग्र लेग बोलते हैं, यानी आगे के सॉरी फोर विंग को अग्र वाले आगे वाले पंखे बोलते हैं पंख बोलते हैं आगे वाले पंख, ठीक है फोर विंग जो होता है आगे वाले पंख होते हैं जो कि जिसको क्या बोलते हैं मेसोथोरैसिक भी बोलते हैं क्योंकि ये मेसोथोरैक्स से अराइज होते हैं कॉल्ड, इनको क्या बोलते हैं टेग्मिना बोलते हैं। जो हमारे आगे वाले पैर होंगे फोर विंग यानी आगे वाले जो पंख होंगे वो मेसोथोरैक्स से अराइज होंगे, इसको क्या बोलेंगे टेग्मिना बोलेंगे जो कि ओपेक होते हैं। ओपेक का मतलब होता है अपारदर्शी होते हैं डार्क होते हैं है ना लेदरी एंड कवर्ड, ये मतलब लेदरी का मतलब स्टिफ बोल देंगे हम इनको हार्ड बोल देंगे है ना स्टिफ होंगे एंड कवर द हैंड विंग, और जो हैंड विंग को कवर करते हैं। फोर विंग मतलब आगे वाले पंख और हैंड विंग मतलब पीछे वाले पंख जो कि हमारे मेटाथोरैक्स से राइज होंगे, ठीक है और वो कवर्ड करते हैं जब ये हमारा क्या कॉकरोच होता है रेस्ट में होता है। इसका मतलब क्या हुआ, जो फोर विंग होते हैं मेसोथोरैसिक बोलते हैं जिसको टेग्मिना बोलते हैं, ये अपारदर्शी होते हैं लेदरी होते हैं और हमारे हैंड विंग ऑफ कॉकरोच को कवर्ड करते हैं जब कॉकरोच क्या होता है रेस्ट में होता है यानी वो बैठा होता है ना। फोर विंग जो होंगे वो हैंड विंग को कवर करेंगे कब, जब कॉकरोच रेस्ट में होगा, ठीक है। हैंड विंग आर ट्रांसपेरेंट, है ना जो हैंड विंग होते हैं वो ट्रांसपेरेंट होते हैं यानी पारदर्शी होते हैं, ठीक है। मेम्ब्रेनस एंड आर यूज इन फ्लाइट, है ना और मेम्ब्रेनस होते हैं यानी ये हैंड विंग जो होंगे पीछे वाले पैर होंगे वो ट्रांसपेरेंट होंगे यानी पारदर्शी होंगे हैंड विंग होंगे वो ट्रांसपेरेंट होंगे पारदर्शी होंगे मेम्ब्रेनस होंगे, ठीक है और यूज इन फ्लाइट, और वो उड़ने में हेल्प करेंगे। जो फोर विंग थे हेल्प कर रहे थे वॉकिंग में, यानी जो फोर विंग थे ये हेल्प कर रहे थे किसमें वॉकिंग में, ठीक है वॉकिंग में, बट जो हैंड विंग है वो उड़ने में काम करेंगे यूज इन फ्लाइट, ठीक है। आगे देखते हैं द एब्डोमिन इन बोथ मेल एंड फीमेल कंसिस्ट ऑफ 10th सेगमेंट, यानी मेल और फीमेल दोनों के एब्डोमेन में 10-10 सेगमेंट पाए जाएंगे, ठीक है 10-10 सेगमेंट पाए जाएंगे मेल और फीमेल में। मेल और फीमेल में बहुत सारे डिफरेंसेस भी होते हैं वो आगे चल के बताएंगे इसी में, ठीक है बट इसमें सिमिलरिटी क्या है, दोनों के बोथ मेल एंड फीमेल कंसिस्ट ऑफ 10 सेगमेंट 10-10 सेगमेंट पाए जाएंगे, कहाँ पे पाए जाएंगे एब्डोमेन में, ठीक है एब्डोमेन रीजन में 10 सेगमेंट पाए जाएंगे। इन फीमेल, फीमेल में क्या होता है इन फीमेल द 7th स्टर्नम इज बोर्ड शेप एंड टुगेदर एट एंड 9th स्टर्नम फॉर्म ब्रॉड जेनाइटल पाउच हुज एंटीरियर पार्ट कंटेन फीमेल गोनोफोर स्पर्मेटिकल पोर्स एंड कोलेक्टल ग्लैंड्स। इसका मतलब क्या हुआ कि मेल और फीमेल काकरोच में एब्डोमिन रीजन में 10 सेगमेंट पाए जाएंगे, ये तो सिमिलरिटी होगी, ठीक है। इन फीमेल में क्या होता है
जो होता है सेवंथ सेगमेंट में स्टर्नम होता है जो कि बोट शेप होता है ना, नाव के आकार का होगा बोट शेप, ठीक है, जो कि टुगेदर आठ और नौ सेगमेंट के साथ मिलकर स्टर्नम बनाता है ना, स्टर्नम फॉर्म करता है जो कि एक ब्रॉड होता है, ब्रॉड होगा और फिर वो जेनाइटल पाउच बनाएगा। हु जेनाइटल पाउच जो होता है वो इंटीरियर पार्ट कंटेन फीमेल गोनोफोर, जो जेनेटल पाउच होगा उसके इंटीरियर पार्ट में क्या होगा, फीमेल गोनोफोर होगा, स्पर्मेटिकल होंगे, स्पर्मेटिकल फोर्स होंगे एंड कोलेट्रल ग्लैंड होगी। कोलेट्रल ग्लैंड ये पे ये हमारी फीमेल का अप्रोच में पाई जाती है, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से याद रखेंगे, यहाँ से क्वेश्चन आता है कोलेट्रल ग्लैंड फाउंड इन मेल एंड फीमेल कॉकरोच या फिर फीमेल कॉकरोच या फिर मेल कॉकरोच, तो हम बोलेंगे कोलेट्रल ग्लैंड फाउंड इन ओनली फीमेल कॉकरोच, ठीक है। इसका मतलब सिंपल तरीके से मैं बता देता हूँ कि इन फीमेल के सेवन सेगमेंट में जो स्टर्नम होता है वो बोट शेप होता है, जो कि आठ और नौ सेगमेंट से मिलके स्टर्ना बनाता है जो कि एक ब्रॉड होती है, फॉर्म एक ब्रॉड जेनाइटल पाउच बनाता है, जो कि इंटीरियर पार्ट में जेनाइटल पाउच के इंटीरियर पार्ट में क्या होता है, फीमेल गोनोफोर होता है ना, और उसमें स्पर्मेटिकल स्पोर होते हैं और कोलेट्रल ग्लैंड होते हैं। इसका मतलब ये था। अब मेल में क्या होता है, इन मेल जेनाइटल पाउच को हम चैम्बर बोलेंगे, है ना, मेल जेनाइटल पाउच और चैम्बर लाइज द हैंड इंड ऑफ द एब्डोमेन, जो कि हैंड इंड ऑफ एब्डोमेन से बनता है, यानी बैक साइड ऑफ एब्डोमेन, ठीक है, एब्डोमेन के पिछले हिस्से से बनेगा। बाउंडेड डॉर्सली, जो कि डॉर्सली बाउंडेड होता है, नाइन्थ एंड टेंथ टर्गा, जो कि डॉर्सली बाउंड होगा, नाइन्थ और टेंथ टर्गा से बाउंड होगा, ठीक है, और जो वेंट्रली बाउंड होगा वो नाइन्थ स्टर्ना से बाउंड होगा। इसका मतलब क्या हुआ, जो हमारे मेल कॉकरोच होते हैं उनमें जेनाइटल पाउच होता है जिसको हम चैम्बर बोलते हैं, जो कि हैंड इंड ऑफ एब्डोमेन से होता है, हैंड इंड ऑफ एब्डोमेन से बनता है। बाउंडेड डॉर्सली जो बाउंड होगा वो नाइन्थ और टेंथ टर्गा से बाउंड होगा, क्योंकि टर्गा जो था वो डॉर्सल साइड का स्क्लेरेट था, ठीक है, और जो वेंट्रली होगा नाइन्थ ऑफ स्टर्नम से बाउंड होगा, ठीक है, समझ गए होंगे आप। इट कंटेंट डॉर्सल एनस, यानी इसमें जो एनस होगा वो डॉर्सल साइड में होगा, ठीक है, इट कंटेंट डॉर्सल एनस वेंट्रल मेल जेनाइटल पोर एंड गोनोपोफाइसिस है ना, यानी इसमें क्या होगा, डॉर्सल तो एनस होगा, वेंट्रल साइड में मेल जेनाइटल पोर होगा और क्या होगा, गोनोपोफाइसिस होगा, ठीक है। मेल बियर ए पेयर ऑफ शॉर्ट थ्रेड लाइक एनल स्टाइल है ना, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आता है डिफरेंसेस में कि फीमेल और मेल में क्या डिफरेंसेस होता है। मेल में एक पेयर शॉर्ट होती हैं, एक पेयर शॉर्ट थ्रेड लाइक एनल स्टाइल होती है, एनल स्टाइल जो होती है सिर्फ मेल कॉकरोच में पाई जाती है, ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि भाई स्टाइल जो मारते हैं वो लड़के ही मारते हैं, तो इसका मतलब इससे भी रिलेट कर लेंगे हम लोग, जो एनल स्टाइल पाया जाएगा वो मेल कॉकरोच में पाया जाएगा। विच आर अब्सेंट इन फीमेल, जो कि अब्सेंट होता है फीमेल में, एनल स्टाइल नहीं पाया जाता है, क्योंकि स्टाइल जो होते हैं लड़के मारते हैं भाई, है ना, बालों का स्टाइल, बियर्ड का स्टाइल, सभी स्टाइल लड़के ही मारते हैं, तो वो सिर्फ मेल में पाया जाएगा, नहीं मेल कॉकरोच में पाया जाएगा, और जो कि फीमेल में एब्सेंट होता है। इन बोथ सेक्सेस, यानी दोनों सेक्स यानी मेल और फीमेल में, टेंथ सेगमेंट बियर ए पेयर ऑफ जॉइंटेड फिलामेंटस स्ट्रक्चर कॉल एनल सर्काई। एनल स्टाइल तो सिर्फ मेल कॉकरोच में पाई जाएगी, बट मेल और फीमेल दोनों सेगमेंट में यानी दसवें सेगमेंट में एक पेयर जॉइंट फिलामेंटल स्ट्रक्चर होता है जिसको क्या बोलते हैं, एनल सर्काई। ये भी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन आता है कि एनल सर्काई किस में पाया जाता है, मेल और फीमेल बोथ में या फिर फीमेल में या फिर मेल में, तो हम बोलेंगे बोथ में, यानी दोनों में पाया जाता है एनल सर्काई, बट एनल स्टाइल जो होता है सिर्फ किस में पाया जाता है, मेल कॉकरोच में ही पाया जाता है, हम याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आता है, ठीक है। अब इसमें हमको क्या दिखाया गया है, कॉकरोच की रीजन ऑफ हेड रीजन दिखाए गए हैं कॉकरोच में, और उसके पार्ट्स ऑफ हेड रीजन दिखाए गए, फिर माउथ पार्ट दिखाए गए, है ना। ये जो होता कंपाउंड आइस, मैंने आपको उस वाले फिगर में बताया था, कंपाउंड आइस होता है, ठीक है, ये क्या होती है, मैगजिला होती है, जो कि एक पेयर होती है, वन पेयर मैगजिला होती है, ठीक है। ये होता है लेबियम जो होता है, लोअर लिप बोलते थे इसको, क्या बोलते थे, लोअर लिप, क्योंकि भाई लेबियम तो लोअर लिप होगा, और जो लेब्रम होगा इसको क्या बोलेंगे, अपर लिप बोलेंगे, और ये मैंडिबल होगा, एक पेयर जो होगी मैंडिबल होंगी, ठीक है। ये हो गए एंटनी, हो गए एंटीना, हो गए ये एनवायरमेंटली
एनवायरनमेंट को सेंस करने का, मॉनिटर करने का काम करेंगे। अब इसी माउथ पार्ट के जितने भी हैं ना, हेड रीजन में जितने भी पार्ट्स हैं उनको सब अलग अलग करके दिखाया गया है। लेब्रम यानी अपर पार्ट, ठीक है, ये हाइपोफायरिंग्स जो था टंग की तरीके काम कर रहा था, यानी जीव की तरीके काम कर रहा था। ये एक पेयर मैंडिबल थे, ठीक है, ये बाइटिंग ऑर्गन होते हैं। इसमें देखो मैंडिबल में ये होता है ग्राइंडिंग रीजन होता है, ग्राइंडिंग रीजन यानी चीज़ों को पीसेगा, और इंसीजन रीजन यानी चीज़ों को काटेगा, ठीक है। और ये मैगजिला हो गई, एक ये मैगजिला हो गई यानी दो मैगजिला हो गई, यानी एक पेयर हो गया, ठीक है। एक मैंडिबल इस तरफ, एक मैंडिबल इस तरफ मैंडिबल, तो यानी एक पेयर मैंडिबल हो गए, ठीक है। हाइपोफायरिंग जो कि टंग की तरीके काम करेगा, लेबियम मतलब लोअर लिप हो जाएगा, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि ये फिगर मैं आपको फिर से दिखाऊंगा, तो क्योंकि मैंने पढ़ लिया प्रोथोरैक्स क्या होता है, मेटाथोरैक्स क्या होता है, मेसोथोरैक्स क्या होते हैं, है ना, फोर विंग कहाँ से राइज होते हैं, हैंड विंग कहाँ से राइज होते हैं, तो मैंने पढ़ लिया। तो देखते हैं, जैसे मैंने आपको एंटनी के बारे में बता दी, कंपाउंड आईसी होती है, मोजाइक विजन काम करती हैं। हेड जो होता है, इसकी जो हेड होता है बहुत मूवेबल होता है, क्योंकि इसमें फ्लेक्सिबल नेक होती है, ठीक है। मेसोथोरैक्स होते हैं, ये फिर प्रोथोरैसिक लेग जो होते हैं, प्रोथोरैसिक लेग होते हैं, वो प्रोथोरैक्स रीजन से अराइज होंगे, ठीक है, यानी प्रोथोरैक्स एब्डोमिनल रीजन में पाए जाएंगे। और जो होते हैं मेटाथोरैक्स हो गए, मेटाथोरैक्स, फिर मेसोथोरैसिक लेग हो गए, और फिर मेटाथोरैक्स लेग हो गए। जो फर्स्ट विंग थे, पहले आगे वाले पैर थे, वो कहाँ से राइज हो रहे थे, मेसोथोरैक्स रीजन से राइज हो रहे थे, जो कि चलने में हेल्प कर रहे थे। और जो फर्स्ट विंग जो थे कहाँ से राइज हो रहे थे, मेसोथोरैक्स से। और जो लास्ट विंग थे यानी हैंड विंग थे, वो कहाँ से, मेटाथोरैसिक से राइज हो रहे थे, मेटाथोरैक्स रीजन से राइज हो रहे थे, हैंड विंग जो कि फ्लाइट का काम कर रहे थे यानी उड़ने में सहायक थे, ठीक है। जो फर्स्ट फोर विंग था उसको टेग्मिना बोलते थे, ठीक है। और हैंड विंग जो था, जब हमारा काकरोच रेस्ट में होता तो फोर विंग जो होते हैं उसके आगे वाले पैर होते थे, जब रेस्ट में होगा तो ये जो पंख है हैंड विंग है, ये इसी के एब्डोमेन में चिपक जाएगा, एब्डोमेन में ये चिपक जाएगा ऐसे, और ये वाला जो है, ये वाला यहाँ आके इसको कवर कर लेगा, ठीक है। तो यानी जब रेस्ट में काकरोच होता है तो फोर विंग जो होता है वो हैंड विंग को कवर कर लेता है। ये हमारा एब्डोमेन हो गया। एब्डोमेन में टेंथ सेगमेंट पाए जाएंगे, यानी कितने पाए जाएंगे, टेंथ सेगमेंट पाए जाएंगे। एनल सर्काई जो होता है, एनल सर्काई जो मेल और फीमेल दोनों में पाया जाता है, बट एनल स्टाइल जो होता है सिर्फ मेल में पाया जाता है, ठीक है। तो फिलहाल हमारा इंट्रोडक्शन और मॉर्फोलॉजी ऑफ द कॉकरोच खत्म हो गया। नेक्स्ट लेक्चर में हम डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ कॉकरोच के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आई होप आपको वीडियो मेरी पसंद आई होगी। सो इफ यू लाइक माई वीडियो, सो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक शेयर माई वीडियो विद फ्रेंड, एंड इफ यू वॉन्ट टू जॉइन सोशल मीडिया हैंडल, सो आई प्रोवाइड लिंक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स, प्लीज गो थ्रू एंड क्लिक द सोशल मीडिया आइकन। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इंटरेस्टिंग वीडियो में, जिसमें डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ कॉकरोच के बारे में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, यू हैव अ नाइस डे।